सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश व्लॉग। तो गाइस, ये बहुत गंदी है। इसने मेरी रिवील लुक रिवील करने से पहले इसने व्लॉग डाल दिया। गाइस, रात को वीडियो डली थी तो उसमें तो जैसे लुक रिवील हुआ नहीं था, उसमें तो ये कुछ और पहन के आई थी। गाइस इनकी गाइस, तो अभी हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए पड़े हैं क्योंकि हम लोगों को जाना है वाटर पार्क। और अब हम पहले सबके व्लॉगों में प्रेरणा के घर पे पड़े हुए हैं। हाँ गाइस, और आज वाटर पार्क में सपना चौधरी आ रही है और हम सब बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। फर्स्ट टाइम लाइव देखेंगे और मिट्टू दीदी से ज्यादा एक्साइटेड कोई नहीं है। तो मिट्टू दीदी अभी थोड़ी डांस की प्रैक्टिस करें क्योंकि ये चाहती है। मैं दिखाती हूँ कि वो स्टेज पे आके कैसे करेंगी। अच्छा चलो गाइस, मैं ना प्रेरणा का पासवर्ड डल रहा है वाईफाई का, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग गाइस ले लेना। ठीक है गाइज, आपको चाहिए पासवर्ड तो गाइज ये रहा, प्लीज आप लोग ले सकते हैं। गाइज यहाँ पे ना मिठू दीदी ने टीवी पे सपना चौधरी मैम का गाना लगवाया था क्योंकि दीदी जी ना उनके जैसा डांस करना है, मतलब दीदी करती भी वैसे ही है उनके जैसा सेम डांस। और यहाँ पे दी प्रैक्टिस कर रही थी कि जब वो आएंगी तो वो ऐसे स्टेप करेंगी। तो दी ने यहाँ पे बहुत अच्छा डांस करके दिखाया था गाइज हम सबको। बाइक पे बैठे बैठे ना हालत खराब हो गई यार। मतलब पता रास्ता कितना दिखा रहा था। एक मिनट गाइस, एक घंटा और 28 मिनट्स इतना टाइम दिखा रहा था और अब हमारा सिर्फ 4 मिनट का रास्ता बचा है। और अब हम रुक के ना यहाँ पे लेमन सोडा पी रहे हैं। मेरा लेमन सोडा बन रहा है। तो अपनी टेस्ट करके बताएगा आपको। टेस्ट करके बता। मुझे भी दो दो ना। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है गाइस, बहुत इंजॉय करेंगे और मतलब डांस सॉन्ग वगैरह। और आज काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने वाला है यहाँ पे, बिकॉज आप लोगों को भी पता है कितनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है इनकी। तो बहुत इंजॉय करेंगे यार हम भी और आप भी। व्लॉग देख के करना गाइस। पुनीत कहाँ गया? वो बाइक पार्क करने गया है। हमें हमारा खाना यहाँ पे लग चुका है, वो लोग अभी तक खाना। अरे वो सब कहीं पे तो हरकतों से बात याद आना चाहिए। गाइस ये ना रायता ना, गाइस रायता ना मैं ऐसे चम्मच से पीने में ना समझ नहीं आ रहा। तो हम सब ने ले तो लिया इसमें, पर ऐसे ना मजा नहीं आ रहा, ऐसे पीने में मजा आ रहा है। ये गया गाइस पनीर मुंह में। पीछे क्यों हो गया? खा दे रहे क्या लिख रहे हैं ये? बहुत अच्छा। भैया अपना अपना हिसाब है अगले का। मम्मी चुची पर मैं लिखा कैसा लगा खाना? टेस्ट कैसा? सो नाइस। हटियो हटियो, बहुत मस्त। मेरी बारी। अब मैं इस चीजू ने लिखा है बहुत मस्त। अच्छा मैं बताऊंगी पहले। गए सब लोग ना खाना ही खा रहे थे तो जीजू और मैं आ गए थे। फिर यहाँ पे कबूतर सॉन्ग चल रहा था तो जीजू और मैं कबूतर वाला स्टेप कर रहे थे। और फिर वो लोग थोड़ा बाद में आए थे, तब तक जीजू और मैं पूल में इंजॉय कर रहे थे दोनों। किसके लिए? सपना चौधरी।
गाइस तो सपना चौधरी मैम के एंट्री से पहले वहाँ पे एक एंकर थी जो सारे गेस्ट को हैंडल कर रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की टीम बना के बहुत सारे गेम खिलवाई थी। तो उसमें अभी ये बॉयज़ की टर्न थी, उन्होंने सब बॉयज़ को एक पैर पे डांस करने के लिए बोला था और सारे सॉन्ग सपना चौधरी के चले थे गाइस सारे। वैसे हम लोग जब भी गए थे वाटर पार्क यहाँ पे हरियाणवी सॉन्ग्स नहीं चलते थे, बट इस बार यहाँ पे सारे सॉन्ग सपना चौधरी के चले और गाइस बहुत इन्जॉय किया सबने और यहाँ पे सारे बॉयज़ डांस कर रहे थे। बट मिट्टू दीदी तो इतनी ज़्यादा खुश थी, मिठू दीदी भी कर रही थी और यहाँ पे जितने बॉयज़ यहाँ पे थे ना गाइस सब लग गए थे डांस करने, क्योंकि उन्होंने कहा था जो 10 बॉयज़ विनर होंगे उनको सपना चौधरी से मिलने का मौका मिलेगा, इसके लिए ये सारे बॉयज़ इतने एक्साइटेड थे और ऐसे डांस कर रहे थे गाइस। सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा था गाइस। और यहाँ पे देखो जीजू एक पैर पे डांस कर रहे हैं क्योंकि जीजू ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें जब उन्होंने कहा था कि एक वो, और गाइस यहाँ पे वो लगाना चल रहा है सपनों में मैं तेरा दीदार करता हूँ, वो वाला सपना का जो सॉन्ग है वो चल रहा है। और यहाँ पे बोला गया था बॉयज़ को कि एक पैर पे डांस करना है, जब तक सॉन्ग बंद नहीं होगा पैर नीचे नहीं रखने, कंटिन्यूस सॉन्ग चल रहे थे। तो जीजू देखो कितनी एनर्जी से गाइस यहाँ पे डांस कर रहे हैं और फिर जीजू सिलेक्ट भी हुए थे उनसे मिलने के लिए। और ये एंकर भी बहुत प्यारी थी, बहुत प्यार से इन्होंने सबको हैंडल किया और बहुत इन्जॉयमेंट किया आज यार। मतलब हम लोग इतना एक्साइटेड थे और इतना ज़्यादा वेट कर रहे थे ना हम सपना मैम का कि जैसे ही मैम आएंगे हम देखेंगे, और जब मैम आई ना सीरियसली वो तो सब गाइस आप आगे आगे देखना कितना मज़ा आया था यार। और यहाँ पे भी सॉन्ग्स चल रहे थे गाइस, तो मुझे अब वॉइस ऐड करनी पड़ रही है, ऊपर से ऑडियो ऑफ है। अगर आप लोग ऑडियो के साथ वीडियोस देखना चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस शेयर करूंगी साउंड के साथ, बट अभी आप ऐसे इन्जॉय करो, बहुत ज़्यादा ही कूल था गाइस। और फिर यहाँ पे सब लोग अपना बॉयज़ आके डांस करते हैं और जीजू अभी भी एक पैर पे डांस कर रहे हैं और यहाँ पे वो लगाना चल रहा था गाइस वो कौन सा सॉन्ग है सपना मैम का, बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे, मने मत पूछ मने तू क्यों इतनी अच्छी लागे, वो वाला सॉन्ग जो था वो चल रहा था। और गाइस नॉटी भी आया था तो हम ये सारे सॉन्ग पे डांस कर रहे थे यहाँ पे और बहुत क्राउड था गाइस आज तो यहाँ पे। और जब मैम की एंट्री हुई थी तो इतना भरा हुआ था ना गाइस, अभी आगे आप देखना इतना ज़्यादा भर गया था, बिल्कुल स्पेस नहीं था, एक के ऊपर एक बंदे चल रहे थे और इतनी प्यारी लग रही थी ना सपना मैम। अभी आप लोग देखना आगे आगे आके यहाँ पे ये सब लोग डांस कर रहे थे और बहुत सारे लोग थे, सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था गाइस यहाँ पे गाइज़। और एक ये बहुत स्पेशल मोमेंट था क्योंकि मिठू दीदी आप लोगों को भी पता है कि पूरा सपना चौधरी की तरह डांस करती हैं, तो यहाँ पे जो एंकर थी उन्होंने चांस दिया था मिठू दीदी को ऐसा डांस करने के लिए। तो यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था सपना का पानी छलके और आख्या का काजल, तो दीदी ने इन पे डांस किया था, बहुत अच्छा डांस किया था गाइज़। पूरी पूरी क्लिप आपको सबके ब्लॉग में देखने को मिली और गाइज़ फिर यहाँ पे मिठू दीदी ने पानी छलके वाला सॉन्ग लगवाया था और मिठू दीदी डांस कर रही थी और गाइज़ बहुत ही ऑसम डांस मिठू दीदी ने किया था। यहाँ पे जितना क्राउड था ना मतलब मिठू दीदी बिल्कुल सेम सपना मैम जैसा डांस कर रही थी और दीदी ने यहाँ पे पानी छिलके लगवाया। फिर क्या मतलब यहाँ पे मिठू दीदी डांस कर रही थी ना गाइस, तो सब लोग आके ना यहाँ पे मिठू दीदी की वीडियो रिकॉर्ड करने लग गए थे और मिठू दीदी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस किया था। आप लोग सबके ब्लॉग में देखना, पूरी पूरी क्लिप आपको देखने को मिलेंगी, मैंने तो थोड़ी सी बनाई थी। बाकी अभी यहाँ पे मिठू दीदी डांस स्टार्ट करेंगे गाइस, तब आप लोग देखना। बाकी यार रश इतना था, इतना क्राउड हो रहा था, एक के ऊपर एक लोग चढ़ रहे थे तो वीडियोज़ भी सही से नहीं बन पाई, बट यहाँ पे दीदी ने डांस स्टार्ट कर दिया है। और गाइस देखो आसपास का व्यू आप देख ही सकते हो, सब लोग मिठू दीदी को देख रहे हो। मिठू दीदी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था क्योंकि मिठू दीदी बहुत खुश हो रही थी डांस करके, क्योंकि दीदी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी सपना मैम से मिलने के लिए और यहाँ पे दीदी डांस कर रही थी तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे दीदी को देख के, क्योंकि दीदी सेम वैसी लगती भी हैं और डांस भी सेम वैसा ही करती हैं। और गाइस ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी मिठू दीदी की रील्स वगैरह देखते ही हो। तो यहाँ पे गाइस बहुत इन्जॉय किया था हम सब ने और यहाँ पे अभी मिठू दीदी डांस ही कर रही है। इसके बाद भी सपना मैम नहीं आई थी गाइस, देखो पूरा फील ले के मिठू दीदी ने डांस किया था और बहुत सारा क्राउड था यहाँ पे, देखो सब लोग मिठू दीदी की वीडियोस बना रहे थे यहाँ पे, बहुत मज़ा आया गाइस आज तो। मैं एंजॉय कर रही हूं। क्या हुआ? क्या बनाती हूं? प्रिया
अभी भी गाइस सपना चौधरी आई नहीं है, थोड़ी देर में आएंगी। यहाँ पे सपना मैम ने अपना डांस स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहला सॉन्ग जो था, वैसे तो आप लोग गेस करना, पर मैं बता भी देती हूँ गाइज, पानी छल के था सबसे पहला सॉन्ग जिस पे मैम ने डांस किया था। और फिर यार, मतलब यार, बस ये मोमेंट जब मैम आई थी उसके बाद डांस पे डांस बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट था यार। और सब लोग इतना इंजॉय कर रहे थे ना, पूछो मत। और मिठू दीदी, कैसा लगा आज आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मुझे तो मतलब मेरा सपना पूरा हो गया।
नहीं, सपना मैम से मिलके सपना ही पूरा हो गया आज तो हमारा। गाइज़ तो यहाँ पे फिर बहुत सारे सॉन्ग, जब दो तीन सॉन्ग्स पे मैम डांस कर चुकी थी उसके बाद यहाँ पे वो वाला सॉन्ग चल रहा है क्या यार तेरा चेतक पे चाले तने चस्का रेड फरारी का, और फिर हम लोग भी उस पर डांस कर रहे थे। बट गाइज़ सो सॉरी, यहाँ पे मेरे को हर वीडियो में साउंड ऑफ करने पड़ रहे हैं क्योंकि फिर कॉपीराइट वाला सीन आ जाता है। और यहाँ पे गाइज़ आप लोग क्राउड देख सकते हो, पीछे बहुत सारे लोग थे और गाइज़ सपना मैम ऊपर डांस कर रही थी, हम सब लोग नीचे डांस कर रहे थे। और गाइस देखो कुछ लड़के तो ना वो ऊपर भी चढ़े हुए हैं और फिर बार बार गार्ड आके इनको नीचे उतारते हैं। और ये पुनीत को देखो गाइस कितना दिख रहा है आपको उठ उठ के, ये देखो गाइस ये रहा। गाइज़ और यहाँ पे फिर से मिठू दीदी कूद गई थी, मतलब हम लोग यहीं खड़े थे पर मिठू दीदी मान ही नहीं रही थी बिल्कुल, यहाँ फिर डांस करने के लिए कूद पड़ी थी। और यहाँ पे गाना चल रहा है शायद से अखियाँ का पानी। और गाइज़ ये जो साथ में लड़का है इनका नाम अरुण था गाइज़, इन्होंने भी क्या धांसू परफॉर्मेंस दी थी ना, आपको पुनीत के ब्लॉग में पूरी क्लिप देखने को मिलेगी गाइज़, चेक करना एक बार। बहुत अच्छा डांस कर रहे थे ये, बहुत इंजॉयमेंट। ऊपर सपना मैम डांस कर रही है, नीचे हम सब डांस कर रहे थे। और यहाँ पे ये दोनों मतलब मिठू दीदी और ये लड़का मतलब बहुत अच्छा डांस करा है इस लड़के ने यार। पूरी क्लिप आप ना पुनीत के ब्लॉग में देखना, मतलब पूरा मतलब पूरी क्राउड इनको भी देख रही थी मिठू दीदी के साथ साथ, इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस किया था और बिल्कुल ऐसा जैसे हरियाणवी डांस होता है एकदम पूरा उस तरीके का। बहुत इंजॉय किया गाइस इन सबके साथ, सभी के साथ जा रही है सपना मैम यहाँ से परफॉर्म सेल्फी के जितने भी टेंथ विनर्स थे वो एज सून एज पॉसिबल हेल्प डेस्क पे जाकर खुश है क्योंकि गौतम फाइनली हमें मिलवाने वाला है सपना चौधरी मैम से। और यार बहुत खुश है गौतम हमारा बहुत अच्छा, मतलब यार हम फाइनली मिलने जा रहे हैं, फोटोज खिंचवाएंगे साथ में और यार बहुत एक्साइटेड है, फटाफट से जा रहे हैं गाइस।
सो गाइस हम सब आ गए घर और मैं अभी नहा ली हूँ और पुनीत नहा लिया धीरे धीरे, ये सब नहा रहे हैं। ओए मेरा फोन लगेगा अब ये इस पे। तो जा तो अपना व्यवस्था कर ले पहले। गाइस एक ही चार्जर है, सारे आईफोन वाले बहुत लड़ाई हो रही है। और गाइस मैं नहा ली और हम लोग वाटर पार्क से जस्ट अभी घर आया, 10 बज चुके हैं और बहुत लेट हो गया हम लोगों को, सबके फोन स्विच ऑफ हो गए थे। गाड़ी ले चलो, मैं भी चल लूंगा डी मार्ट, चलो गाड़ी ले चलो मैं भी चल लूंगी फिर। हाँ सो गाइज मैं क्या कह रही थी, गाइज आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था और हम लोगों ने सपना चौधरी मैम के साथ फोटो भी खिंचवाई, मैंने मिट्टू दीदी और प्रेरणा ने। मैं वो फोटो थंबनेल पे भी लगाऊंगी, इंस्टा पे पोस्ट करूंगी, आप सब लोग देखना। वहाँ पे हम लोग गए थे स्पेशली उनसे मिलने और यार बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब आज पहली बार हम लोग अप्पू घर जब भी जाते थे ना, हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, बट फर्स्ट टाइम हमने कोई राइड नहीं ली, हमने कुछ नहीं लिया, हम बस बैठे रहे कि अब आएंगे और जब आ गई उसके बाद से हम एक मिनट भी हटे नहीं और सबसे आगे खड़े रहे और इतना देखा बस पूछे मत। गाइस बहुत मजा आया और अब बहुत थक भी गए हैं, अब खाना खा के सोएंगे। तो बट अभी के लिए इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलूंगी। और फिर गाइस आप लोग भी इंजॉय करो सपना चौधरी मैम का डांस सॉन्ग सब कुछ, बहुत मजा आया था गाइस और हम सब तो बहुत खुश हुए मिलके। बाकी आप लोग ब्लॉग इंजॉय करना, बाय।